तो चलिए आज इस खास मौके पर खास चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से कि आखिर गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पंडित जी सबसे पहले गोवर्धन पूजा के बारे में बताइए, क्या महत्व है आज के दिन का और क्या शुभ मुहूर्त है आज पूजा के लिए। पहली बात तो पूजा ये जान लो कि दीपावली के 5 दिन के 5 पर्व होते हैं, जिसमें ये गोवर्धन पूजा चौथा पर्व है। पहला पर्व धनतेरस है, दूसरा पर्व छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी है और तीसरा पर्व दीपावली है, चौथा पर्व गोवर्धन पूजा है और पांचवा पर्व जो कल होगा यम द्वितीया, जिसको भाई दूज भी कहते हैं जी। ये 5 दिनों का पर्व है। तो ये आज का जो पर्व है ये गोवर्धन पूजा के नाम से इसलिए जाना जाता है कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली पर, बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिनों के लिए धारण किया था। 7 दिनों के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। इंद्र की पूजा न होने के कारण इंद्र गोवर्धन परिक्षेत्र और गोकुल वृंदावन ब्रज क्षेत्र के लोगों के ऊपर इतना कुपित हुआ कि उसने ऐसी बरसात की कि लोगों का जीवन एकदम असुरक्षित हो गया जी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के, ऐसे जैसे कमल को कोई उखाड़ के बच्चा ले लेता है, ये समझो कि जैसे कोई बच्चा कोई फूल तोड़ लेता है आसानी से, उसी तरह से भगवान ने गोवर्धन को ऐसे उठाया और बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिनों तक वो धारण किए रहे। हाँ जी। 7 दिनों तक धारण किए रहे और जितने भी गोकुल के आसपास के ग्वाल बाल गैया मैया थी सब आकर के उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे आनंद पूर्वक रहे। और जानती हो मजे की बात वहां की क्या हुई, एक लड़की की विदाई हो रही थी गोकुल के लिए जी। तो उसकी माँ ने समझाया कि देख रही तू जा तो रही है लेकिन वहां एक नंद का लाला है, उसके सामने चेहरा ना हटेयो नहीं तो तेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, उसकी इतनी मोहनी आकर्षण शक्ति है कि तू उसके जाल में फंस जाएगी। तो विदाई होके चली तो कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ जाके दुल्हन दिखाओ दुल्हन दिखाओ, तो दुल्हन ने अपना पूरा बंद कर लिया जो डाला गया था वो चादर वगैरह, बहुत कोशिश की नहीं दिखाई। भगवान ने कहा जाओ अब तुम देखने के लिए परेशान होगी। तो जब उन्होंने उठाया पर्वत तो उस समय वो ग्वालन भी उसी गोवर्धन के नीचे आई थी और जब उसने देखा 7 साल के बालक को और उसका इतना अद्भुत मनोहर रूप, वो बेहोश हो गई और 7 दिनों तक वो बेहोश रही और 7 दिनों के अंदर ही वो मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर अच्छा। दूसरे जन्म में वो मीरा बन के पैदा हुई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मोरो पति सोई। तो ये है भगवत भक्ति। असल में भगवान कृष्ण की सुंदरता को कहने का सामर्थ्य किसी देवी देवता में, मनुष्य यक्ष किन्नर गंधर्व के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि कोई उनके रूप का और उनके सौंदर्य का वर्णन कर सके जी। वो वाणी से व्यक्त नहीं किए जा सकते। रामचरितमानस की एक चौपाई है बड़ी अच्छी, जाने जही जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिसको जानने के बाद ये संसार गायब हो जाता है, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस तरह से जग जाने पर स्वप्न देखा हुआ स्वप्न सब मिथ्या लगता है, उसी तरह से प्रभु को जान लेने के बाद ये संसार में कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जाने जेही जग जाई हेराई, माता पिता भाई बहन मित्र सुहृद पति पत्नी सब भूल जाते हैं, क्षण भर में भूल जाते हैं जब प्रभु दिख जाते हैं, जब आप प्रभु को जान लेते हैं। जब तक आपने उनको जाना नहीं, जब तक उनको आपने पहचाना नहीं, तब तक ये सारे रिश्ते माया जगत के रहते हैं। गो गोचर जहलग तक जाई, सो सब माया जाने हु भाई।
जहाँ तक इन आँखों से देखा जा रहा है, जहाँ तक इस मन से सोचा जा रहा है, वहाँ तक मानकर चलो कि माया है, माया है। और माया कौन है? प्रभु की ही माया है, उनकी ही माया है, और उनके भक्तों को उनकी माया नहीं परेशान करती है। जैसे इंद्रजाल में फंसा हुआ जमूरा नहीं डरता है, और दुनिया डरने लगती है कब जमूरे का क्या होगा, लेकिन जमूरा नहीं डरता है, वो जाल में बंध जाता है और फिर निकल के बाहर आ जाता है। उसी तरह से जो मायापति के भक्त हैं वो माया से नहीं डरते। इसीलिए कहते हैं माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कोई माधव भजे तो माया चेरी होए। अगर लोग माधव को भजना शुरू कर दें, कृष्ण को भजना शुरू कर दें, तो माया तो चेरी हो जाएगी, दासी हो जाएगी। लेकिन लोग करते क्या हैं? माया को भजते हैं कि कैसे मिले रुपया, कैसे मिले पैसा, कैसे मिले ये। भगवान को कौन भजना चाहता है? भगवान को तो दो ही स्थितियों में लोग भजते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, उस समय भजते हैं, और या फिर पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा हो तब भजते हैं। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, गोवर्धन पूजा का मुहूर्त कुल 2 घंटे 12 मिनट का है। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त दोपहर 3:23 से शाम 5:35 तक है। आज के कुछ शुभ और मंगलकारी मुहूर्त और भी हैं, जैसे अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक, चर लग्न दोपहर 12:04 से दोपहर 1:27 तक, अमृत लग्न ये चौघड़िया का मुहूर्त है दोपहर 2:50 से शाम 4:12 तक। ये गोवर्धन पूजा के लिए सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम समय है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कन्हैया को प्रसन्न करने का सुनहरा मौका है क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है, और ऐसे में आपको खास उपाय करने से बाल गोपाल के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा मिल सकती है। चलिए अब अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि अच्छी सेहत और मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए आज गोवर्धन पूजा के दिन कैसे स्नान करना चाहिए। पंडित जी, ये तो सभी की इच्छा है, अच्छी सेहत रहे, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, स्नान कैसे करना चाहिए पंडित जी? देखो पूजा, जो लोग जरा सा भी धर्म के मर्म को जानते हैं और सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, उसमें 99% महिलाओं की बात कर सकता हूं, क्योंकि महिलाएं धर्म का स्वरूप हैं। अगर महिलाएं ना हो ना, तो धर्म लुप्त होने में घंटा दो घंटा लगेगा। चाहे किसी कथा पंडाल में देख लो, चाहे किसी प्रवचन में देख लो, चाहे किसी मंदिर में देख लो, चाहे किसी धर्मस्थान में देख लो, आपको महिलाओं के ही सिर दिखाई देंगे। पुरुष उसमें ऐसे दिखाई देंगे जैसे दाल में नमक। बिल्कुल समझ रहे हो ना? तो महिलाएं जो है, प्रायः महिलाएं कार्तिक के महीने में प्रातः स्नान जरूर करती हैं। प्रातः स्नान का मतलब सूर्योदय के समय वो नहा लेती हैं और सूर्य को अर्घ दे देती हैं। पूरे कार्तिक महीने में, एक दिन की पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे कार्तिक महीने में सूर्योदय के समय नहाती हैं और सूर्य को अर्घ देती हैं। ये भारत की महिलाओं का क्षेत्र है, इसीलिए इनको देवी कहा गया है, इसीलिए इनको लक्ष्मी कहा गया है, और इसीलिए कहा गया है यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो अच्छी सेहत पाने के लिए आज के दिन पीपल, गूलर, नीम, आम, बरगद की छाल को पानी में उबाल कर फिर ठंडा करके फिर उसमें ठंडा पानी मिला करके स्नान करना चाहिए। संतान सुख के लिए आज दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाएं, उसमें गंगा जल और तुलसी मिला करके स्नान करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भरकर उससे अभिषेक करें। इसके बाद परिवार के सदस्य पंचामृत ग्रहण भी करें। आर्थिक उन्नति के लिए आज गाय को भी अपने दरवाजे पर स्नान कराना चाहिए, गाय को तिलक करना चाहिए, गाय को सुंदर फल खिलाना चाहिए, गाय को फल और हरा चारा खिलाना चाहिए, गाय की भी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। गाय के खुर के पास की मिट्टी ले लीजिए, उसे अपने पास सुरक्षित पूजा स्थान में रख लीजिए, और वो नहाने के बाद अगर आप अपने माथे पर लगाने लगें तो उससे भी आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अपने इस स्पेशल सेगमेंट में अब शुरुआत करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़े खास नियम और सावधानियां। तो पंडित जी बताइए, क्या कुछ खास नियम और सावधानियां हमें जरूर बरतनी चाहिए? देखिए, हर पूजा उपासना में सनातन धर्म में सावधानियां होती हैं। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, परत महेश लगई नहीं बारा। कर्मकांड दुधारू तलवार है, सीधे चले तो लक्ष्य को भेंदे, उल्टे चले तो अपने को मारे। तो बंद कमरे में गोवर्धन पूजा नहीं करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन साफ कपड़े पहन करके ही गोवर्धन की परिक्रमा करें, चाहे वो जा करके गिरिराज में परिक्रमा करें वृंदावन में, और चाहे घर में परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन पूजा के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। आज और कभी भी गाय पेड़ पौधों को ना सताएं और ना ही उनको नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए कि हर जीव जंतु में, हर वनस्पतियों में, हर पेड़ पौधों में भगवान हैं। गोवर्धन की परिक्रमा नंगे पैर ही करें, नंगे पैर नहीं कर सकते तो कपड़े के जूते पहनकर परिक्रमा कर सकते हैं। आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू कर दी हो तो कभी भी उसे बीच में अधूरी ना छोड़ें। गोवर्धन पूजा के दिन या परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या नशा की चीज़ों का सेवन वर्जित है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आज आपको हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहेगा न्यूज 24। नमस्कार।